नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में जो आपकी पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यहां से सवाल या प्रश्न पूछने की वापस प्रबल संभावना है और उन्हीं संभावनाओं को अपन तराशते हैं और उन्हीं संभावनाओं के ऊपर खरा उतरते हुए आज अपन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कि बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूतों या फिर प्रेतों द्वारा करवाया गया, यानी बूंदी के किस किले के बारे में कहा जाता है, बूंदी में जो किला है या बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूतों और प्रेतों ने करवाया था। चार ऑप्शन है, किपलिंग, बिशप हेबर, कर्नल जेम्स स्टुअर्ट या फिर फर्ग्यूसन। वापस ध्यान से सुनिए, सवाल है कि बूंदी का जो किला है उस किले के अंदर जो महल बने हुए हैं इन महलों को देखकर किसने कहा था कि इनका निर्माण भूतों व प्रेतों ने करवाया था। चार ऑप्शन है, किपलिंग, बिशप हेबर, कर्नल जेम्स स्टुअर्ट या फिर फर्ग्यूसन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपके रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग है और रुडयार्ड किपलिंग ने ये लिखा है इस दुर्ग के बारे में कि जो ये किला है बूंदी का, इस बूंदी के किले में जो महल है इन महलों का निर्माण भूतों और प्रेतों ने करवाया था। किसने करवाया था? भूतों और प्रेतों ने करवाया था। राजू राम गुड इवनिंग, गिरधारी ने सही बताया है। हीराराम जाट, राम राम। गणेश कड़ेला गुड इवनिंग। देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये है, आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर किसने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। आपको ये बताना है कि आमेर के महल है, जो आमेर का किला है जयपुर का, उसको देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर किसने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। यानी कौन से महल है वो किसने कहा था ये आपको बताना है। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने, बिशप हेबर ने, फर्ग्यूसन ने या फिर चार्ल्स मेटकॉप ने, बताइए किसने कहा था। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, कर्नल जेम्स स्टुअर्ट, बिशप हेबर, फर्ग्यूसन या चार्ल्स मेटकॉप। आमेर के किले में जो महल है उन महलों को देखकर किसने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और अलब्रह्मा के बारे में जो सुना उससे भी बढ़कर आमेर का महल, आमेर का किला है, ये कहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बिशप हेबर। किसने कहा था? बिशप हेबर ने कहा था। फिर अपनी स्क्रीन पर अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल क्या है वो देखिए, राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौखेलाव महलों का निर्माण किस शैली में करवाया था। बहुत बढ़िया सवाल है कि जो ये चौखेलाव महल है, चौखेलाव महल है, ये किस शैली में उन्होंने बनवाया था। वापिस सुनिए, राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौखेलाव महल का निर्माण किस शैली में करवाया। चार ऑप्शन है, यूरोपियन शैली, ओपेरा शैली, मार्शल टाइप शैली या फिर विक्टोरिया शैली, बताइए। सुरेंद्र परमार बता रहे हैं बी, रामराज राधे राधे, बताइए भाई। गिरधारी राम ने सवाल मैसेज हटा दिया है, वापिस डिलीट मार दिया है कमेंट को। सुनिए भाई, राव मालदेव ने एक महल का निर्माण करवाया था जिसका नाम है चौखेलाव महल, और चौखेलाव महल है वो जिस शैली में निर्मित है वो शैली है आपकी ओपेरा शैली। कौन सी शैली है? ओपेरा शैली। देखिए आप लोगों को पता होगा मालदेव ने एक महल का निर्माण करवाया था जिसका नाम है चौखेलाव महल, और कभी पूछ ले चौखेलाव महल कहाँ पर है, तो ये जो चौखेलाव महल है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। किस दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। पहला सवाल तो ये हो गया। फिर आपसे क्या पूछा गया, ये जो चौखेलाव महल है ये महल किस शैली में बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं ओपेरा शैली में। किस शैली में? ओपेरा शैली में बने हुए हैं। फिर आपसे अगला सवाल क्या पूछा जाएगा कि इसमें किसके चित्र चित्रित किए गए हैं। तो देखिए, चौखेलाव महल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चौखेलाव महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है
क्योंकि इसकी दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं और स्पेशली इसमें किसके चित्र बनाए गए हैं, रामायण के चित्र चित्रित किए गए हैं, रामायण के चित्र चित्रित किए गए हैं। और कहते हैं कि इसमें राम को रावण का वध करते हुए चित्रित किया गया है, राम को रावण का वध करते हुए चित्रित किया गया है इस महल में, चौखेलाव महल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और शानदार सवाल, और आपको भी शानदार जवाब देना है इस शानदार सवाल का। शानदार जवाब, राज्य में कहां प्राचीन मान महल स्थित है? राजस्थान के अंदर एक महल है, उसका नाम है मान महल, और मान महल कहां पर है? मंडोर, फलोदी, आमेर या पुष्कर? बड़ा शानदार सवाल है, अगर इसको समझोगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएगी। राजस्थान में प्राचीन मान महल स्थित है, ये जो मान महल है कहां स्थित है? मंडोर, फलोदी, आमेर या पुष्कर, बताइए भाई मान महल कहां स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए, मान महल है, बता रहे हैं किशनलाल, बता रहे हैं सर सी सही है, गिदरीराम भी बता रहे हैं, किशनलाल भी बता रहे हैं, रामचंद्र प्रजापत भी बता रहे हैं, सुरेंद्र परमार भी बता रहे हैं। सुनिए, जो ये मान महल है ये पुष्कर के अंदर है, कहां पर है? पुष्कर में। अब आपको याद रखना है, मान महल से रिलेटेड आपके कई बार सवाल पूछे जाते हैं। मान महल है, इसके निर्माता कौन थे? तो आपको पहली बात तो निर्माता का याद रखना है कि इनका निर्माण करवाया था आमेर के शासक थे जिनका नाम था मानसिंह प्रथम। और ये किस झील के किनारे निर्मित है? तो याद रखना कि पुष्कर झील के किनारे निर्मित है। कौन सी झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे स्थित है। कई बार आपके सवाल पूछे गए हैं, आधे सवाल तो यहाँ पे आधे जने तो आमेर पे गलत कर देते कि मान महल, मान मतलब आमेर, मान सिंह ने करवाया होगा। सवाल को थोड़ा समझना पड़ता है कि मान महल पूछा है, मान महल कहां पर है? पुष्कर झील के किनारे, निर्माता थे मानसिंह। कौन थे? निर्माता थे मानसिंह। अगला सवाल देखिए, और अच्छा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अगर इस सवाल को अगर आप कर दोगे तो आपका काफी सवाल है इजी हो जाएंगी। और सवाल ये है, जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता कौन थे? यानी जयपुर के अंदर एक हॉल है अल्बर्ट हॉल, इस अल्बर्ट हॉल को डिजाइन किसने किया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, विद्याधर भट्टाचार्य, स्वर सर क्विंटन जैकब, नरपति नालह, जेवियर डिसिल्वा। देखिए, जयपुर के अंदर एक हॉल है जिसका नाम है अल्बर्ट हॉल, ध्यान से सुनना, अल्बर्ट हॉल है, इस अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? ये सवाल नहीं पूछकर आपसे पूछा कि इसका वास्तुकार यानी डिजाइन करता कौन था, डिजाइन करता या फिर आपसे पूछ ले वास्तुकार, दोनों एक ही है, या फिर इसको इंग्लिश में आर्किटेक्चर कहें तो भी एक है। आपसे क्या पूछा गया है कि इसके डिजाइन करता कौन थे, बताइए। चार ऑप्शन है, विद्याधर भट्टाचार्य, स्वर पिंटन जैकब, नरपति नाला, डिसिल्वा। रामचंद्र प्रजापत बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, किशनलाल ए बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई। जो ये जयपुर में अल्बर्ट हॉल है, इस अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार या डिजाइन करते थे उनका नाम था सर स्विंटन क्विंटन जैकब, सर क्विंटन जैकब ने क्या किया था? अल्बर्ट हॉल के डिजाइन का निर्माण किया था। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? अब आपको बताना है कि राजस्थान के किस शहर में पुष्पक महल स्थित है। गजब का सवाल है, रणथंभौर, आमेर, पुष्कर या मंडोर, पुष्पक महल कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, और चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? रणथंभौर आपके ऑप्शन है, आमेर आपका ऑप्शन है, पुष्कर आपका ऑप्शन है, मंडोर आपका ऑप्शन है, बताइए भाई। प्रकाश चीनिया बता रहे हैं बिरलो का ए बता रहे हैं, हेमंत लोटिया ए बता रहे हैं। तो ये ध्यान से सुनना कि पुष्पक महल कहां पर स्थित है, तो पुष्पक महल है वो है पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर के अंदर एक महल है जिसका नाम है पुष्कर के अंदर एक महल है जिसका नाम है पुष्पक महल। किशनलाल सी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सही बताया है आपने। नेक्स्ट, राज्य में हाड़ी रानी के महल कहां है, बताइए भाई।
हाड़ी रानी का महल बताना है और हाड़ी रानी का महल कहां पर है ये आपको बताना है। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर। और सवाल पूछा है हाड़ी रानी का महल कहां पर है, कोटा, बूंदी, टोंक या सवाई माधोपुर, बताइए भाई। सनी देवड़ा बता रहे हैं ए, किशनलाल बता रहे हैं सी। राज्य में हाड़ी रानी के महल कहां पर स्थित हैं ये आपको बताना है। हीराराम बता रहे हैं बी है, सुरेंद्र परमार बी बता रहे हैं, रामचंद्र प्रजापत बी बता रहे हैं, आकाश राणा बी बता रहे हैं, रामराज बी बता रहे हैं और किशन लाल भी क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। देखिए हाड़ी रानी के महल, अगर हाड़ी रानी के महल आपसे पूछते तो आपको हमेशा ध्यान रखना बूंदी का करना था। क्या करना था? बूंदी। एक बात याद रखना, बूंदी का जो दुर्ग है, बूंदी दुर्ग को क्या कहते हैं, तो बूंदी दुर्ग को ध्यान रखना महलों का दुर्ग कहा जाता है। किसका दुर्ग कहा जाता है? बूंदी के दुर्ग को महलों का दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बूंदी के अंदर जो भी नया शासक बना, जो भी व्यक्ति शासक बना, उसने बूंदी के अंदर महलों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, इसलिए। फिर आगे देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल है बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित लालगढ़ महल का निर्माण गंगा सिंह ने किस शैली में करवाया था। बीकानेर के अंदर एक जगह है जूनागढ़, और जूनागढ़ में स्थित है लालगढ़ महल, और इस लालगढ़ महल का निर्माण किस शैली में करवाया था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, यूरोपियन शैली, ईरानी शैली, राजपूत शैली या फिर विक्टोरिया शैली। लालगढ़ महल, लालगढ़ महल है, इस लालगढ़ महल का निर्माण कौन सी शैली में करवाया गया था ये आपको बताना है। यूरोपियन शैली, ईरानी शैली, राजपूत शैली या विक्टोरिया शैली। तो देखिए लालगढ़ महल का जो निर्माण किया गया है वो यूरोपियन शैली में करवाया गया है। गंगा सिंह जी के पिताजी थे जिनका नाम था लाल सिंह जी, और कहते हैं कि लाल सिंह की मृत्यु के बाद इनकी याद में एक महल का निर्माण करवाया था, लालगढ़ महल। और कहते हैं कि लालगढ़ महल में वर्तमान में और गंगा सिंह के बाद जो बीकानेर का राज परिवार रहता था वो राज परिवार इसी महल में रहता था। किस महल में रहता था? तो लालगढ़ महल में बीकानेर का राज परिवार रहता था। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। किसकी याद में करवाया? तो अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया था। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है हवा महल की पांच मंजिलों में से किस मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हवा महल इसकी पांच मंजिलें हैं, उनमें से कौन सी मंजिल को हवा मंदिर के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल या फिर पांचवी मंजिल, या फिर कौन सी मंजिल, पांचवी मंजिल। और हवा मंदिर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। हवा महल, हवा महल है, इसकी जो किस मंजिल को क्या कहा जाता है, हवा मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हवा मंदिर कहा जाता है ये आपको बताना है। हीराराम बता रहे हैं सी है, सुरेंद्र परमार बता रहे हैं डी है, त्रिलोक बेगड़िया बता रहे हैं सी है, किशनलाल बता रहे हैं सी है, रामराज बता रहे हैं सर सी है। तो देखिए पांच मंजिला है हवा महल, और हवा महल की जो एक मंजिल है जिसका नाम है हवा मंदिर, और हवा मंदिर कौन से स्तर की जो मंजिल है तो वो आपको बतानी है। बताइए भाई, हवा महल की कौन सी मंजिल को हवा मंदिर कहा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है इसकी जो पांचवी मंजिल है, सॉरी चौथी मंजिल है, कौन सी मंजिल, चौथी मंजिल को क्या कहा जाता है, हवा मंदिर कहा जाता है। अब देखिए हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 में, तो निर्माता पूछ ले कभी भी तो इनके निर्माता थे सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह थे। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनका वास्तुकार कौन था, हवा महल का वास्तुकार, तो वास्तुकार का नाम याद रखना एक व्यक्ति है जिसका नाम है लालचंद। जो वास्तुकार था उस वास्तुकार का नाम याद रखना है लालचंद। और
फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसका निर्माण कब किया गया, 1799 में। इसकी जो आकृति है वो आकृति भी आपको याद रखनी है, इसकी आकृति है कृष्ण मुकुट के समान। किसके समान? कृष्ण मुकुट होता है उस मुकुट के समान इसकी क्या है आकृति है, और कितने मंजिला है तो ये भी याद रखना कि ये है 5 मंजिला। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है, जिसकी आकृति कृष्ण मुकुट के समान है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, और अगला सवाल क्या दे रखा है, राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है? यानी राजस्थान का कौन सा महल है जिसमें ओपेरा शैली की क्या देखी जाती है, झलक देखी जाती है? भवानी नाट्यशाला, रायकाबाग पैलेस, चित्रशाला, सरिस्का पैलेस। वापस देखिए, ओपेरा शैली में कौन सा महल बना हुआ है वो आपको बताना है। तो ओपेरा शैली के अंदर बना हुआ है कौन है? यहाँ सही है, हवा महल है, इसकी नींव नहीं है, बिना नींव के समतल जगह से जगह पर खड़ा है। राजस्थान के अंडमान यानी जैसलमेर से आए हैं अरविंद, आपको भी नमस्कार। राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई जाती है? वो दिखाई जाती है भवानी नाट्यशाला में। किस में दिखाई जाती है? भवानी नाट्यशाला में दिखाई दी जाती है। फिर अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर, और अगला सवाल है, राजस्थान के किस शहर में मृगया महल है? राजस्थान के किस शहर में मृगया महल है, यह आपको बताना है कि मृगया महल कहां पर है। 4 ऑप्शन है, टोडा राय सिंह टोंक, अटरू बारा, रूपवास भरतपुर या लूणवा नागौर। और सवाल पूछा है मृगया महल कहां पर है, कौन सा महल, मृगया महल कहां पर है, यह आपको बताना है। और आपके सामने जो ऑप्शन है, टोडा राय सिंह टोंक है आपके सामने, इसके अलावा आपके सामने अटरू बारा है, क्या है, अटरू बारा है, इसके अलावा आपके सामने ऑप्शन है लूणवा नागौर। मृगया महल बताना है आपको कहां पर है। वापिस देखिए, टोडा राय सिंह टोंक या फिर बताइए भी बताइए, इस बार कमेंट आने चाहिए, अच्छे आने चाहिए। किशनलाल बी अरविंद बता रहे हैं, बी किशनलाल, सी भाग्यश्री, सी शनि देवड़ा। बताइए भाई, मृगया महल है वो आपके राजस्थान के भरतपुर जिले में, कहां पर है, भरतपुर जिले के अंदर महल है, उनका नाम है मृगया महल। अरविंद जैसलमेर वेरी गुड, सी है, बाकी का सबका लगभग क्या हुआ है, सही हुआ है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल बड़ा शानदार सवाल है, जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने अपनी प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस शैली में करवाया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि जयपुर के एक शासक हुए जिनका नाम था माधो सिंह, और माधो सिंह कौन थे, माधो सिंह प्रथम थे, इनकी 9 रानियां थी, और 9 रानियों जैसे एक 9 रानियों के लिए एक जैसी 9 महल बनवाए। हालांकि ये जो 9 महल बनाए थे ये नाहरगढ़ दुर्ग में बनाए थे, ध्यान रखना कौन से दुर्ग में है, तो नाहरगढ़ दुर्ग में है, लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि ये जो किस शैली में बने हुए हैं। हीरालाल हीराराम जाट बता रहे हैं ए है, अरविंद बता रहे हैं सी है, किशनलाल बता रहे हैं सर सी है। बताइए भाई, गिरधारी राम बता रहे हैं सी है, अरविंद बता रहे हैं ए है। एक बताओ भाई, एक आदमी दो दो तीन तीन ऑप्शन अलग अलग देता है कि सर कोई ना कोई तो सही होगा। सुरेंद्र परमार बता रहे हैं सी। देखिए, जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया करवाया था, और कहते हैं कि नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया, ये भी फिक्स है, लेकिन किस शैली में करवाया था। इसमें से किसी का पहला ऑप्शन आया अरविंद जैसलमेर का, किशन लाल का, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो बनाया गया है ये विक्टोरिया शैली में बनाया गया, किस शैली में बनाया गया है, विक्टोरिया शैली में बनाया गया महल है,
एक जैसे नौ महल नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित। डमरू के समान आकृति वाली नौ मंजिला इमारत विजय स्तंभ किस मंजिल की किस मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है, यानी डमरू के समान आकृति है और उसके बाद नौ मंजिला है जिसका नाम है विजय स्तंभ, और ये विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा गया है और वो भी अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखा हुआ है अल्लाह शब्द, बताइए। बताइए भाई, डमरू के समान आकृति वाली नौ मंजिला इमारत विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? गिरधारी राम बता रहे हैं, श्री शनि देवरा थर्ड बता रहे हैं, जोधपुर ब्लू सिटी ए बता रहे हैं। बताइए भाई, आपको पता होगा ये जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ कहां पर है? तो ये है चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में। और आपको पता है इसका निर्माता कौन था? आप कहोगे कि सर कुंभा था, मैंने भी कहा कुंभा था, वेरी गुड। फिर ये नौ मंजिला है, कहते हैं कि 157 सीढ़ियां हैं, 122 फीट ऊंचा है, चौड़ाई 30 फीट है, और इसे मूर्तियों का विश्वकोश, इसको विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है। 1910 में अभिनव भारत सभा की स्थापना हुई क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा, आंदोलनों के दौरान, तो इसकी जो उसका जो लोगो था वो भी यही था। अरविंद ने कहा है कि सर तीसरी मंजिल पर नौ बार अल्लाह लिखा हुआ है। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, और तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। सवाल देखिए आप, राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है जिसे शव विलास उद्यान के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है जिसे छित्तर, यहाँ पे छव की जगह है, छित्तर विलास महल कहा जाता है? कौन सा? छित्तर विलास महल कहा जाता है, और राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। बताइए भाई, मुबारक महल, चंद्र महल, उम्मेद पैलेस महल या सज्जनगढ़ पैलेस? वापिस सुनिए, राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है जिसे छित्तर विलास उद्यान के नाम से जाना जाता है, या फिर जिसे छित्तर पैलेस कहा जाता है, जिसे जोधपुर के घाटू पत्थर से बनाया गया है? बताइए कौन सा महल है। चार ऑप्शन है आपके सामने, सुरेंद्र परमार सी बता रहे हैं, हीराराम सी बता रहे हैं, सनी देवड़ा भी सी बता रहे हैं। देखिए, उम्मेद पैलेस जो आपके जोधपुर में है, और इसका निर्माण करवाया जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। और ये जो उम्मेद भवन पैलेस है, इस उम्मेद भवन पैलेस को छित्तर पैलेस कहा जाता है। कौन सा अब्बा कहा जाता है? छित्तर पैलेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें छित्तर के पत्थरों का, या जोधपुर के लाल घाटू पत्थर, या फिर आप कहें कि बादामी रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है, और इसका निर्माण इन्होंने करवाया था अकाल राहत कार्य के तहत। जब जोधपुर में अकाल पड़ गया था, तो इस अकाल राहत कार्य के तहत इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब देखिए वापस, इसे क्या कहा गया है? यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसोदिया रानी का महल स्थित है, सिसोदिया रानी का महल स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या टोंक में? सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर टोंक में? बताइए भाई, चार ऑप्शन है आपके सामने। हेमंत लोतिया बता रहे हैं सर सी सही है, गिरधारी राम सी, हेमंत लोतिया सी, किशन लाल सी, सनी देवड़ा सी, हीराराम सी। सवाल ये पूछा गया है, सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है?
आकाश राणा बता रहे हैं सर ए, पृथ्वी सहारन बता रहे हैं सी। देखिए राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल है वो कहां पर स्थित है? सिसोदिया रानी का महल है जयपुर के अंदर। कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर महल है जिसका नाम है सिसोदिया रानी का महल। और आपको पता होगा कि सिसोदिया रानी महल का जो निर्माता थे, निर्माता वो कौन थे? तो जयपुर के शासक थे जिनका नाम था सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह ने कहते हैं कि सिसोदिया महल का निर्माण करवाया था, और ये किसके लिए करवाया था? तो कहते हैं कि इनकी एक रानी थी जो सिसोदिया राजवंश से बिलोंग करती थी, उनके लिए यह महल बनवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा सिसोदिया रानी का महल। कौन सा महल? सिसोदिया रानी का महल पड़ा था। फिर अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है बूंदी में जैत सागर झील के किनारे स्थित यह महल जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी बूंदी के अंदर पहली बात तो ध्यान रखना एक झील है जिसका नाम है जैत सागर झील, और इसके किनारे पर एक महल है जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, वो महल कौन सा है? अनिरुद्ध महल, रतन महल, सुख महल या फिर फूल महल? आपको बताना है कि बूंदी में जैत सागर झील के किनारे स्थित महल जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, बताइए भाई। प्रेम सिंह राठौड़ जोदाना, बताइए भाई। गिरधारी राम बता रहे हैं जयपुर, पृथ्वी सिंह शाह, पृथ्वी सारण ये बता रहे हैं, प्रेम सिंह राठौड़ बता रहे हैं सुख महल। सुख महल तो बूंदी में है, वेरी गुड, एकदम से अच्छे से पकड़े हैं आपने, बताइए भाई। देखिए जैत सागर, जैत सागर झील के किनारे एक महल है जिसका नाम है सुख महल। क्या नाम है? सुख महल। और आपको याद होगा कि जो ये सुख महल है, ये जो सुख महल है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसमें, राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ के भूल भुलैया की एवं जयपुर के हवा महल की झलक दिखाई देती है। वापस सुनिए, राजस्थान का वह महल, वह प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ की तो भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक दिखाई देती है, वो आपको बताना है। खेतड़ी महल, बिजोलाई महल, अदरथंब महल या फिर सुनहरी कोठी? वापस सुनिए, वह महल जिसमें लखनऊ सी भूल भुलैया है और जयपुर के हवा महल की झलक दिखाई देती है, बताइए भाई। चार ऑप्शन, खेतड़ी महल, बिजोलाई महल, अदरथम महल और सुनहरी कोठी। रीढ़ का भूखा शेर, रीढ़ का भूखा शेर है। और पांच लाशें हैं, सुरेंद्र परमार ये बता रहे हैं, किशन लाल सी बता रहे हैं, ये रीढ़ का भूखा शेर है वो ए बता रहा है, किशन लाल ए बता रहे हैं, प्रेम सिंह राठौड़ जोदाना खेतड़ी महल बता रहे हैं, वेरी गुड। तो देखिए खेतड़ी महल है, और इस खेतड़ी महल के बारे में कहा जाता है कि इसमें लखनऊ जैसी तो भूल भुलैया हैं, और इसके अंदर जाने के बाद आपको हवा महल सा आभास होगा, यानी हवा महल की इसमें झलक दिखाई देती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए खेतड़ी महल को कहा जाता है शेखावाटी का हवा महल। कौन सा महल? शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है, शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है इसे, इसको खेतड़ी महल को कहा जाता है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है खेतड़ी महल, इसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, और गजब का सवाल है इस बार, कितने जने आंसर देंगे इसका? अब आपको इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है कि कौन सा महल कहां पर स्थित है, कौन सा महल कहां पर स्थित है। और ये जो सवाल है पक्का है कि इसमें से कोई ना कोई सवाल आएगा, क्योंकि पांच महल है आपके सामने, और पांचों महलों में देखिए खेतड़ी महल में विवेकानंद से मुलाकात अजीत सिंह ने की थी। हाँ भाई, अजीत सिंह ने की थी। अगला सवाल देखिए, टीम फायर 64 नॉलेज चैनल, हाँ बस्ताराम चौहान नमस्कार, बताइए भाई। हाँ, जूम करें क्या?
ये लीजिए जूम कर दिया, या फिर ऐसा करते हैं हम आपको ये सवाल जूम नहीं पूरी स्क्रीन बता देते हैं आपको अंदर से, तब आप बता देना। ये लो इंटरनली स्क्रीन आपको दिखानी है, बताइए भाई स्क्रीन दिख रही है आपको? मिलान बताना आपको, मिलान करना है, कौन सा महल कहां पर है, चार ऑप्शन है आपके सामने, कदमी महल, अबेड़ा महल, अबली मिणिका महल, छावण भादो महल या फिर जोगी महल। तो अब ध्यान से देखिएगा आप, आपको पता होना चाहिए कि जिसमें जो आपको आ रहा है उसको पकड़िए पहले। अबेड़ा महल कहां पर है, अबेड़ा महल कोटा के अंदर है। अबली मिणिका महल कहां पर है, अबली मिणिका महल भी कोटा के अंदर है। छावण भादो महल पूछा है, उसके बाद जोगी महल पूछा है। तो देखिए जोगी महल है वो कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। कदमी महल पूछा है, तो कदमी महल कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और श्रावण भादो महल वो कहां पर दे रखे हैं, जयपुर में दे रखे हैं। कहां दे रखे हैं, जयपुर में दे रखे हैं। वापिस देखिएगा इसमें कि कदमी महल जयपुर के अंदर है, कदमी महल अबेड़ा महल कोटा के अंदर है, अबली मिणिका महल कोटा में, श्रावण भादो महल है वो जयपुर में होगा आपके, और जोगी महल आपके सवाई माधोपुर में, कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। ए में देखिए आपके चार किस्में आ रहे हैं, मतलब ये जो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन क्या हो रहा है, सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। फिर अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर, और अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान पर रूठी रानी का महल नहीं है। राजस्थान में रूठी रानी के नाम से कितने महल बने हुए हैं, तीन महल बने हैं, और इनमें से कौन सा महल है जो रूठी रानी का महल नहीं है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, आनासागर अजमेर के अंदर है, जयशमंद उदयपुर के अंदर है, या फिर कायलाना जोधपुर के अंदर है। यानी रूठी रानी का महल, किसका महल, रूठी रानी का महल कहाँ नहीं है वो बताना है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कहाँ पर रूठी रानी का महल नहीं है वो आपको बताना है। डीजे मनीष आ गया है, राम राम। त्रिलोक बेगड़िया ये बता रहे हैं, रीड का भूखा शेर डी बता रहा है। हाँ ये भाई पक्का भूखा है, ये रीड को खाकर रहेगा, रीड वाला भूखा शेर। कायलाना, कायलाना जोधपुर के अंदर है, निर्माण करवाया था सर प्रताप सिंह ने, सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इस झील का कभी नाम पूछे तो ध्यान रखना प्रताप सागर झील है। क्या नाम है इसका, इसका नाम प्रताप सागर झील है। और आपको यह भी याद रखना है कि ये जो कायलाना है इसमें जो जलापूर्ति होती है, क्या कौन सी आपूर्ति, जलापूर्ति होती है, वो कहाँ से होती है, तो इसकी जलापूर्ति होती है राजीव गांधी कैनल के द्वारा, और राजीव गांधी कैनल के द्वारा होती है। और कहते हैं कि ये जो कायलाना है, इस कायलेन को, कायलाना को कहा जाता है जोधपुर की जीवन रेखा, जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है कायलाना, जोधपुर के अंदर है, सर प्रताप सिंह ने बनवाया था, शुरुआत में प्रताप सागर झील नाम था, बाद में कायलाना पड़ गया। जलापूर्ति राजीव गांधी कैनल से होती है, जोधपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, जोधपुर की क्या कहते हैं इसको, लाइफ लाइन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर, और अगला सवाल क्या है वो देखिए, सवाल नंबर 20, राजस्थान में स्वर्ण मीनाकारी युक्त महल कौन सा है। स्वर्ण मीनाकारी युक्त यानी सोने से मीनाकारी की गई है वो महल कौन सा है वो आपको बताना है। राजस्थान का वह महल जिसके अंदर क्या किया गया है, सोने से मीनाकारी की गई है, बताइए भाई। चार ऑप्शन है, अनूप महल बीकानेर, गोल महल उदयपुर, रेशमा महल सीकर, मान महल पुष्कर। चार ऑप्शन है, वापस देखिए, स्वर्ण मीनाकारी, स्वर्ण मतलब सोने की मीनाकारी की गई है, उसके अंदर सोने की बारीक कारीगरी, सोने की कारीगरी की गई है वो आपको बताना है, किस महल में की गई है ये आपको बताना है। अनूप महल, गोल महल, अनूप महल, गोल महल, गोल महल, उसके बाद रेशमा महल, रेशमा महल के बाद में मान महल। चार ऑप्शन है आपके सामने।
माया रावल ए बता रही है, रीट का भूखा शेर ए बता रहा है, शेर दहाड़ रहा है, संजना शाकला ए बता रही है। देखिए भाई, स्वर्ण मीनाकारी युक्त जो महल है वो है अनूप महल। अनूप महल बीकानेर में है, निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने। और इसकी जो छत बनी हुई है और ये जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर सोने की क्या की गई है, स्वर्ण मीनाकारी की गई है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या है वो देखिए। डीग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग भरतपुर के अंदर है, और डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया ये आपको बताना है। जाट राजा बदन सिंह, जाट राजा सूरजमल, विनय सिंह या फिर राजदेव, तो बताइए आपको। आपको ये बताना है कि डीग के प्रसिद्ध महलों का निर्माण किसने करवाया था। चार ऑप्शन है आपके सामने, बदन सिंह, सूरजमल, विनय सिंह या राजदेव, बताइए भाई। सेतन आ गए, सेतन गुड इवनिंग। रेट का भोगा शेर ये बता रहा है भाई। सवाल क्या पूछा है, जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो जल महलों का निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। डीग के जल महल, डीग के जल महल भरतपुर के अंदर है। थोड़ा सोच के जवाब देना, एक दूसरे को देख के जवाब नहीं देना है आपको, ठीक है। डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? हाँ भाई, 64 नॉलेज चैनल, आकाश राणा, रीट का भूखा शेर, विकास, संजना शांकला, अरविंद, जैसलमेर, सूरजमल। इसलिए तो कहा था मैंने, कहा एक के पीछे मत भागो, पहला कमेंट देख दे आप लोग उसी कमेंट के पीछे भागते हो, भाई के सही होगा, लेकिन कई बार क्या होता है भाई थोड़ा उल्टा चल लेता है। हाँ, शुरू बदन सिंह ने करवाया, लेकिन पूरा सूरजमल ने करवाया था। तो आपसे तो पूरा पूछा किसने, निर्माण किसने करवाया, ये नहीं पूछा है आपसे कि निर्माण प्रारंभ किसने किया। हरी मीना बता रहे हैं बी। देखिए भाई, डीग के जो प्रसिद्ध जल महल है, इन जल महलों का निर्माण करवाने वाला आदमी थे जिनका नाम था महाराजा सूरजमल, जिनको क्या कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। कहते हैं कि जाटों का प्लेटो था ये, जाटों का प्लेटो था, एक विद्वान से इसकी तुलना की गई है जाटों के प्लेटो से। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है वो देखिए अगला सवाल। राजस्थान के किस शहर में नवलखा महल देखा जा सकता है? नवलखा महल का निर्माण किसने कहा, नवलखा महल कहाँ है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, बताइए भाई। नवलखा महल कहाँ पर है? चार ऑप्शन है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, और पूछा है नवलखा महल, कौन सा महल, नवलखा महल कहाँ पर है ये आपको बताना है। विक्की रावत बता रहे हैं बी। विक्की रावत बता रहे हैं नवलखा महल जयपुर के अंदर है, और बता दीजिए भाई। माया राहुल बता रही है जयपुर के अंदर है, त्रिलोक बेगड़िया बता रहे हैं जयपुर के अंदर है, और बता दीजिए। सन्नी देवड़ा भी बी बता रहे हैं, सुरेंद्र परमार भी बी बता रहे हैं, संजना सांकला भी बी बता रही है। अरे थोड़ा सोच विचार के जवाब दो। संजना सागला ने कहा सर सोच विचार के बी की जगह मैंने जयपुर लिख दिया है। भूखा शेर बता रहा है सी, नवलखा महल, बताइए भाई। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या सवाई माधोपुर, चार ऑप्शन आपके सामने, और वापिस सोच के जवाब देना है आपको कि नवलखा महल कहां पर है, कौन सा महल, नवलखा महल कहां पर है ये आपको जवाब देना था। नवलखा महल, बताइए भाई नवलखा महल कहां पर है, चार ऑप्शन है आपके सामने।
लगभग लगभग सबने सोच समझ के जवाब दिया था और नवलखा महल है ये है जयपुर में। अगर आपसे सवाल पूछते नवलखा भंडार, नवलखा भंडार तो ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगर आपसे पूछते नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा तो आप करते रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग का जो दरवाजा है उसे नवलखा दरवाजा कहा जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता नवलखा हार, और नवलखा हार कहाँ पर पहना जाता है भाई? गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है, नवलखा झील। और नवलखा झील है बूंदी में, कहाँ पर है? नवलखा झील, और नवलखा झील है बूंदी के अंदर। अगर आपसे पूछते नवलखा तालाब, नवलखा तालाब तो नवलखा तालाब में जान देखने के लिए जाते आप पाली, कहाँ जाते? पाली में जाते नवलखा तालाब को देखने के लिए। सबने लगभग लगभग क्या बताया है? सही बताया है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग अगला सवाल देखिए और अगला सवाल आपका क्या हो सकता है वो आपको बताना है। इसमें ये दग रखा है कि निम्नलिखित में से असंगत हैं, क्या है? असंगत है वो आपको बताना है, यानी कौन सा एक ऐसा है जो असंगत है, संगत यानी मैच नहीं हो रहा है। चार ऑप्शन है आपके सामने, एक थंबा महल जोधपुर, एक थंबिया महल डूंगरपुर, अदर थंब महल नागौर, जूना महल बीकानेर। देखिए भाई, निम्नलिखित में से एक असंगत है वो आपको बताना है, एक खंबा महल या एक थंबा महल जोधपुर, एक थंबिया महल डूंगरपुर, अदर महल, अदर थंब महल नागौर, जूना महल बीकानेर। बताइए भाई, बताइए भाई, बताइए। रीढ़ का भूखा शेर बता रहा है डी। सोच समाज के जवाब दो भाई। रीढ़ का भूखा शेर बता रहा है डी, फिर भी कह रहा हूं सोच समझ के जवाब दो। सवाल क्या पूछा है? असंगत बताना है, और असंगत बताना है आपको कि कौन सा महल, एक थंबा महल जोधपुर, एक थंबिया महल डूंगरपुर, अदर थंब महल नागौर, जूना महल बीकानेर। बता दीजिए भाई, गजब के सवाल, गजब के आंसर, बताइए बताइए बताइए। हरी मीना, माया रावल, संजना सांगला, रीट का भूखा शेर, सुरेंद्र परमार, बताइए भाई निम्नलिखित में से असंगत हैं वो बताइए भाई। अदर महल कहां पर है? देखिए, जूना महल, अदर थंब महल, अदर महल पूछा, जूना महल पूछा है आपसे, और जूना महल कहां पर है? जूना महल है वो आपके डूंगरपुर के अंदर है। कहां है? डूंगरपुर के अंदर। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछते कि जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, तो आप कहते कि सर जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। लेकिन जूना महल कहां पर है? जूना महल डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। अरे संजना, जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सवाल देखिए, और नेक्स्ट सवाल क्या है? राजस्थान का वह महल जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा दी थी, एक इतिहासकार हुआ है और उसका नाम है फर्ग्यूसन, क्या नाम है? फर्ग्यूसन। और फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल की संज्ञा किसे दी थी ये आपको बताना है। चार ऑप्शन बताइए भाई, सिटी पैलेस उदयपुर, राजमहल उदयपुर, राजमहल टोंक, या सिटी पैलेस अलवर, बताइए। बताइए बताइए भाई, किसने क्या कहा? अरविंद बता रहे हैं ए, रीढ़ का भूखा शेर,
हरी मीना बता रहे हैं सी, बताइए भाई। सुरेंद्र परमार बता रहे हैं सी। विंडसर महल की तुलना किसके साथ की थी? देखिए सिटी पैलेस, सिटी पैलेस है उदयपुर के अंदर, और इसको देखने के बाद एक व्यक्ति है फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ने सिटी पैलेस को देखकर कहा ये तो राजस्थान का विंडसर महल है। जिस प्रकार से विंडसर महल है उसी प्रकार उदयपुर में भी इसकी तुलना विंडसर महल है। कौन सा पैलेस? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो आपको पता होगा पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील के पास स्थित है सिटी पैलेस। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी आपके लिए अच्छा सवाल आएगा। अब इस सवाल में आपको ध्यान रखना है, कास्ट निर्मित रैन बसेरा महल स्थित है। कास्ट मतलब लकड़ी, और लकड़ी से निर्मित रैन बसेरा कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। सोहनलाल, सोहनलाल आए हैं, सोहनलाल रीट का भूखा शेर। सवाल है कास्ट निर्मित रैन बसेरा महल कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। कास्ट निर्मित रैन बसेरा झालावाड़, कोटा, बूंदी या बारा, बताइए भाई। रीट के भूखे शेर ने बताया है ए है, माया राहुल बता रही है ए है, और बता दीजिए। त्रिलोक बेगड़िया बता रहे हैं सी, बताइए भाई। कास्ट का रैन बसेरा, कास्ट का रैन बसेरा कहां पर है वो बताना है। माया राहुल ए। देखिए कास्ट मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है? लकड़ी। और लकड़ी का एक क्या है भाई? महल है। और ये महल कहां पर है? तो ये महल है आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में। किस महल, किस कहां पर है? झालावाड़ जिले के अंदर एक महल है, और उस महल का क्या नाम है? कास्ट का रैन बसेरा। कौन सा बसेरा? कास्ट का रैन बसेरा है झालावाड़ जिले के अंदर, ये आपको याद रखना। गणेश कड़ेला बता रहे हैं डी, डी नहीं है भाई ए है। हवेलियों का नगर कहलाता है, हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है बताइए भाई। झुंझुनू, पिल्लानी, नवलगढ़ या महेंसर, हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। हवेलियों का नगर, इसका नगर हवेलियों का नगर, झुंझुनू, पिल्लानी, नवलगढ़, महेंसर, बताइए भाई, बताइए बताइए। हवेलियों का शहर कहां पर है बताना है आपको। हवेलियों का शहर कहां पर है ये आपको बताना है, और ये बताना है कहां पर है हवेलियों का नगर। माया राहुल बता रही है सी, रीट का भूखा शेर बता रहे हैं शी, अरविंद जैसलमेर बता रहे हैं डी, हवेलियों का नगर। हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है बताइए भाई। बताइए बताइए बताइए। हाँ, हवेलियों का नगर, किसका नगर? हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है? झुंझुनू, पिलानी, नवलगढ़ या फिर महेंसर, थोड़ा सोच के जवाब दीजिए। हवेलियों का नगर बताइए भाई, हवेलियों का नगर बताना है आपको, और कहां पर है ये आपको बताना है। हवेलियों का नगर, नवलगढ़ बता रही है भाई संजना सांकला, राकेश बामणिया डी बता रहे हैं। हवेलियों का शहर, अभी ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप खुद डापा चुकी परिस्थिति में हो, आपके कमेंट आ रहे हैं सी और डी, बताइए भाई। हवेलियों का नगर पूछा है और आपको बताना है झुंझुनू, पिल्लानी, नवलगढ़ या महेंसर। यहाँ पे आपका जैसलमेर ऑप्शन नहीं है, जैसलमेर ऑप्शन नहीं है,
बताइए भाई, हवेलियों का शहर, हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई नवलगढ़ को। किसको कहा जाता है? नवलगढ़ को कहा जाता है हवेलियों का नगर। राजस्थान का वह शहर जिसे झरोखों, खिड़कियों तथा जालियों वाला शहर कहते हैं। राजस्थान का वह शहर जिसे झरोखों, खिड़कियों तथा जालियों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। देखिए वापिस, झरोखे, उसके बाद खिड़कियां, उसके बाद जालियां, इनका शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताइए भाई? राजस्थान का वह शहर जो झरोखों, खिड़कियों तथा जालियों वाला शहर है, बताइए भाई। रीट का भूखा शेर, वाकई में बहुत भूखा है भाई, रीट लेके रहेगा। सन्नी देवड़ा बता रहे हैं जैसलमेर, राकेश मामनिया बता रहे हैं ए, माया रावल बी, बताइए भाई। त्रिलोक बेगड़िया बता रहे हैं बी, बताइए भाई, जैसलमेर बता रहे हैं काफी लोग। राजस्थान का वह शहर जिसे झरोखों, खिड़कियों तथा जालियों का शहर कहा जाता है, बताइए भाई कौन सा है? विकास बता रहे हैं बी। देखिए जैसलमेर, जैसलमेर को कहा जाता है झरोखे, खिड़कियों तथा जालियों का शहर, क्योंकि जैसलमेर के अंदर जो हवेलियां बनी हुई है, जो छतरियां बनी हुई है, जो महल बने हुए हैं, उनमें झरोखे, जालियां और खिड़कियां हैं। रेट का बुका शेर जैसलमेर लिखने के बाद बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि एक शहर है, एक जिसका नाम है जैसलमेर। और जैसलमेर की जो क्या बनी है, जो ज़्यादातर जो हवेलियाँ बनी हुई हैं, जो महल बने हुए हैं, उनमें झरोखे, खिड़कियां और जालियां सर्वाधिक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? झरोखों, खिड़कियों तथा जालियों वाला शहर कहा गया है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल प्यारे विद्यार्थियों, क्या गजब का सवाल है, वाह। जैसलमेर में स्थित वह एकमात्र हवेली जो अपनी उत्कृष्ट कला, वैभवशाली नक्काशी, अद्भुत चमत्कारिक मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी है बताइए? चार ऑप्शन है आप। सर्वाधिक हवेलियां शेखावाटी क्षेत्र में है। आपको यह बताना है कि जैसलमेर में स्थित एकमात्र हवेली जो अपनी उत्कृष्ट कला, वैभवशाली नक्काशी, अद्भुत चमत्कारिक मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंदर मीनाकारी भी की गई है। नथमल की हवेली, छोटों की हवेली, ईश्वरमल शेठ की हवेली, या फिर पटवों की हवेली, बता रहे हो भाई? बताओ बताओ बताओ। राकेश बामणिया पटवा की हवेली, भूखा शेर तो डी 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 डी, माया राहुल बता रही है चार बार डी है सर, मान लो। सुरेंद्र परमार ने भी डी बताया है, बताइए भाई। जैसलमेर में स्थित वह एकमात्र हवेली जो अपनी उत्कृष्ट कला, वैभवशाली नक्काशी और इसके साथ साथ अद्भुत चमत्कारिक मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी है वो आपको बताना। नथमल की हवेली, छोटों की हवेली, ईश्वरमल शेठ की हवेली, या फिर पटवों की हवेली, बताइए भाई कौन सी हवेली है? तो वो हवेली है आपकी, बताइए, डी। डी बिल्कुल सही बताया, गणेश कड़ेला ने भी सही बताया, पटवों की हवेली जैसलमेर के अंदर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट कला, वैभवशाली नक्काशी और अद्भुत और चमत्कारिक मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इन हवेलियों के अंदर सोने की मीनाकारी की गई है, किसकी? सोने की मीनाकारी की गई है पटवों की हवेली में। कौन सी हवेली में? तो पटवों की हवेली में की गई है, 2829। बीकानेर की किस हवेली में हिंदू मुस्लिम यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, बताइए भाई। बीकानेर की किस हवेली में हिंदू मुस्लिम और यूरोपियन कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है? रामपुरिया की हवेली, बरसलपुर की हवेली, कोडिया की हवेली, या फिर सालिम सिंह की हवेली, या फिर कौन सी हवेली? सालिम सिंह की हवेली।
इनमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या है। बताइए भाई, हिंदू मुस्लिम यूरोपियन कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। संजना सांकला, महिपाल तंवर आ गया है भाई, लेट आया है। राकेश बता रहा है डी है। आकाश राणा डी, माया रावल डी, सुरेंद्र परमार डी, माया रावल डी, रीट का भूखा शेर भी बता रहा है डी। तो बताइए कौन सी हवेली है, माया रावल डी, विकास डी, महिपाल तंवर डी। वेरी गुड, शालीन सिंह की हवेली। और शालीन सिंह की हवेली है जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम और यूरोपियन तीनों कलाओं का समन्वय एक साथ देखने को मिलता है, एक साथ देखने को मिलता है। फिर देखिए, राजस्थान की वह प्रसिद्ध हवेली जिसे नौखंडी हवेली के नाम से जाना जाता है, नौखंडी हवेली जिसके नौ खंड है, इसके ओर जाना जाता है नौखंडी हवेली। बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने, पट्टवों की हवेली, किसकी हवेली, पट्टवों की हवेली, और उसके बाद आपके ऑप्शन है नथमल की हवेली, किसकी हवेली, नथमल की हवेली, और उसके बाद सालिम सिंह की हवेली, और उसके बाद बागोर की हवेली। सोचिए, एक हवेली है जिसका नाम है नौखंडी हवेली, और नौखंडी हवेली आपको बतानी है कहां पर है, बताइए। नौखंडी हवेली, संजना साकला सर न सालिम सिंह की हवेली, राकेश बामनिया ए बता रहे हैं, गणेश कड़ेला डी। थोड़ा सोचिए, नौखंडी हवेली के नाम से जानी जाती है। प्रश्न पूरा नहीं दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। देखिए, ये प्रश्न पूरा दिखेगा आपको। राजस्थान की वह प्रसिद्ध हवेली जिसे नौखंडी हवेली के नाम से जाना जाता है, बताइए। नौखंडी हवेली के रूप में किसे जाना जाता है वो बताना है। जैसलमेर वाले बाबू भी देख रहे हैं, बता दीजिए भाई, नौखंडी हवेली आपके जैसलमेर के अंदर है, बताइए। नौखंडी हवेली है वो है नथमल की हवेली, नथमल की हवेली जिसे कहा जाता है नौखंडी हवेली, नौखंडी हवेली, और नौखंडी हवेली जिसे नथमल की हवेली कहा जाता है, कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, ये याद रखना। नथमल की हवेली को ही नौखंडी हवेली कहा जाता है, राइट। अब आगे चलते, सोने चांदी की हवेली स्थित है, देख लो, सोने चांदी की हवेली वो बतानी है आपको, कि सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली बतानी आपको कहां पर है, सोने चांदी की हवेली। बताइए भाई, सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली। राकेश बामनिया सी, विकास बी, महिपाल तंवर सी, बताइए भाई, सोने चांदी की हवेली कहां पर है। सोने चांदी की हवेली है महनसर के अंदर, कहां पर है, महनसर के अंदर है, झुंझुनू के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, सोने चांदी की हवेली, ये याद रखना है, सोने चांदी की हवेली। नेक्स्ट सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर, वो सवाल ये है कि राजस्थान की किस हवेली को बनाने वाले कारीगरों ने ताजमहल के कारीगरों के समान हाथ काट दिए थे, यानी राजस्थान के अंदर बनी वह हवेली जिसके निर्माण के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि कारीगर अन्य कोई ऐसी हवेली नहीं बना सके, बताइए। पट्टवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, या फिर मोहन सिंह जी की हवेली। सवाल पूछा है,
राजस्थान की वह हवेली जिसको बनाने के बाद उसके कारीगरों के जिस प्रकार से ताजमहल बनने के बाद ताजमहल के कारीगरों के हाथ काटे गए थे, उसी समान इस हवेली को बनाने के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए थे। बताइए कौन सी हवेली है। चार ऑप्शन आपके सामने, पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और मोहन सिंह की हवेली। बताइए। बताइए भाई। राजस्थान की किस हवेली को बनाने के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए थे, बताइए भाई। कमलेश सिंधिया ए, माया रावल ए, गणेश खड़ेला ए, संजना सांकला ए, रीट का बुका शेर, महिपाल तंवर ए, विकास ए। वेरी गुड। पटवों की हवेली जैसलमेर में है और इसको बनाया था गुमानचंद पटवा ने। गुमानचंद पटवा ने कहा कि भाई साहब सेठ जी थे ये। गुमानचंद पटवा ने कहा कि मेरे लिए एक ऐसी हवेली बनानी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। कारीगरों ने बना दी, पूरी बन के तैयार हुई, कारीगरों को इकट्ठा किया और कहते हैं कि कारीगरों को इकट्ठा करने के बाद उनका एक हाथ, जो हाथ उनका चलता था, बायां हाथ ज्यादा चलता है, तो कहते हैं कि उनका जो ये दायां हाथ है, सॉरी जो दायां हाथ होता था, इस हाथ को इन्होंने कटवा दिए। इस कारण कहते हैं कि इस हवेली के बाद में इस जैसी कोई हवेली नहीं बनी। कारण यही था कि कारीगरों के हाथ काट दिए गए इस हवेली को बनाने के बाद, पटवों की हवेली के बाद। ये आपको याद रखना। अगला सवाल देखिए, जोधपुर की ऐतिहासिक बड़े मियां की हवेली किस शैली में बनी है। अब पहला सवाल तो बड़े मियां की हवेली जोधपुर में, ठीक, और ये किस शैली में बनी है वो आपको बतानी है। राजपूत मुगल शैली, राजपूत यूरोपीय शैली, राजपूत पंचायन शैली या राजपूत इंडो ग्रीक शैली। और पूछी क्या है, बड़े मियां की हवेली, बड़े मियां की हवेली कहां पर है। बड़े मियां की हवेली जोधपुर में है लेकिन किस शैली में बनी है, बताइए भाई। चार ऑप्शन आपके सामने, राजपूत मुगल शैली, राजपूत यूरोपीय शैली, राजपूत पंचायन शैली, राजपूत इंडो ग्रीक शैली। रीट का भूखा शेर ए, राकेश बामनिया ए, संजना साकला ए, बताइए भाई। बड़े मियां की हवेली ये जो बनी हुई है ये किस शैली में बनी है, राजपूत मुगल शैली में बनी है। किस शैली में, राजपूत और मुगल शैली में बनी है जो जोधपुर में स्थित। बीकानेर की किस हवेली को सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है, यानी बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है वो आपको बतानी है। ध्यान से सुनिएगा, बीकानेर की जो सबसे पुरानी हवेली है वो कौन सी हवेली है वो आपको बताना है। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली के चार ऑप्शन, मेहता की हवेली, बचावतों की हवेली, सुराणों की हवेली या रामपुरिया हवेली। जो रामपुरिया हवेली है ये बीकानेर की सबसे पुरानी क्या है, हवेली है। तोप मस्जिद कहाँ पर है, तोप मस्जिद आपके जालोर दुर्ग में है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला सवाल, सलूम्बर की हवेली कहाँ है, सलूम्बर की हवेली कहाँ पर है वो आपको बतानी है। सलूम्बर की हवेली कहाँ पर है, सलूम्बर की हवेली कहाँ पर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा या सीकर। सलूम्बर की हवेली कहाँ पर है बताइए, चार ऑप्शन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर। और क्या पूछा है, सलूम्बर की हवेली, सलूम्बर की हवेली है राजस्थान के उदयपुर जिले में। किस जिले में, उदयपुर जिले के अंदर है। सलूम्बर ठिकाना था एक, और सलूम्बर ठिकाने के अंदर कौन रहते थे, यहाँ पर चुंडावत सरदार रहते थे। कौन रहते थे, चुंडावत सरदार रहते थे। और ये कहाँ पर है वर्तमान में, तो सलूम्बर वर्तमान में उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, उदयपुर, क्योंकि चुंडा के वंशज रहते थे इसलिए वो क्या कहलाए, चुंडावत कहलाए थे। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट 36, उदयपुर में स्थित
वह हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। एक हवेली है उदयपुर में, उसका नाम बताना है जिसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। लगभग 1100 मीटर लंबी पगड़ी है। बताइए भाई, उदयपुर में स्थित वह हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है कौन सी हवेली है? पाफना की हवेली, मोहन सिंह जी की हवेली, बागोर की हवेली या पिपलिया की हवेली? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। कौन सी हवेली में रखी गई है? सत्येंद्र बता रहे हैं सी, माया रावल सी बता रही है, हरीशनाथ सी बता रहे हैं, महिपाल तंवर सी बता रहे हैं, आकांक्षा मकवाना सी बता रही है, माया रावल सी बता रही है। बताते रहिए भाई। बागोर की हवेली, बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है और इस बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी गई है? पगड़ी रखी गई है। इसके अलावा इसमें पगड़ियों का संग्रहालय है, ध्यान रखना, पगड़ियों का संग्रहालय पूछ ले राजस्थान में कहाँ पर है, तो बागोर की हवेली के अंदर है और बागोर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पूछ ले, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र पूछ ले ये केंद्र कहां पर है, तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बागोर की हवेली के अंदर है। कौन सी हवेली में? बागोर की हवेली। और बागोर की हवेली कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। ओके, अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर। और अगला सवाल है ये, झुंझुनू में स्थित वह हवेली जो शताधिक खिड़कियों के लिए विश्व विख्यात है। शताधिक का मतलब क्या होता है? वह हवेली जिसकी 100 से ज्यादा क्या है, खिड़कियां हैं। तो झुंझुनू में स्थित वह हवेली जिसमें जो शताधिक खिड़कियों के लिए विश्व विख्यात है, पोदार की हवेली, बिरला की हवेली, हवा महल की हवेली या फिर ईश्वरदास मोदी की हवेली? बताइए भाई, शताधिक खिड़कियों के लिए जानी जाने वाली हवेली बतानी है आपको। चार ऑप्शन है आपके सामने। शताधिक हवेली कहां पर है? शताधिक हवेली कहां पर है? चार ऑप्शन है आपके सामने, बड़े सोच विचार के जवाब देने हैं भाई। कमेंट में लगातार आपके देख रहा हूं, कौन इसका सही जवाब देगा वो पता चल जाएगा। शताधिक की हवेली कहां पर है? चार ऑप्शन है, वापस सुन लीजिए। पोदार की हवेली, बिड़ला की हवेली, हवा महल हवेली, ईश्वरदास की हवेली, बताइए। कमलेशन क्या ए, हरीशनाथ ए, राकेश बामनिया ए, रीट का भूखा शेर ए, सुमन अटवाल ए, ऑप्शन इज राइट, माया रावल ए। बता दीजिए भाई, बताइए भाई, बताइए। झुंझुनू में स्थित वह हवेली जिसमें शताधिक 100 से ज्यादा खिड़कियां हैं, वो है पोदारों की हवेली। कौन सी हवेली? पोदारों की हवेली, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है और नेक्स्ट सवाल के जवाब आपको देना है। ये जो सवाल है, इस सवाल को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रीन के अंदर देखना पड़ेगा या फिर इसको सूची ए से सूची दो को मिलान करना है। और ये जो सवाल है इस तरह से दे रखा है, इसके कूट समय दे रखा है। क्या दे रखा है? कूट समय दे रखा है, वो आपको बताना है। बताइए भाई, सुमेलित करना है। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? बड़े देवता की हवेली कहाँ है? भक्तों की हवेली कहाँ है? पुरोहित जी की हवेली कहाँ है? और उसके बाद में आपको बताना है नई हवेली कहाँ है। पांच हवेलियां हैं, पांच हवेलियों में क्या करना है आपको, सुमेलित करके बताना है। एक दो हवेली पकड़ोगे तो आपकी सारी हवेलियां हो जाएगी। देखिए,
अब आपके लमसम पूरा दिख रहा है, अगर आपको ध्यान देखोगे इसको तो देखिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों सही दिख रहा है। बड़े मियाँ की हवेली, बड़े देवता की हवेली, भक्तों की हवेली, पूर्वज जी की हवेली और नई हवेली, एक ऑप्शन पकड़ना आप। अगर एक ऑप्शन पकड़ दिया तो आपके सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बताइए चार ऑप्शन आपके सामने, बड़े मियाँ की हवेली कहां पर है। अब देखिए अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बड़े मियाँ की हवेली के बारे में बात की थी। बड़े मियाँ की हवेली अपने जोधपुर जिले में, किस जिले में है, जोधपुर जिले में हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो जोधपुर चलते हैं, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर। अब देखिए पहला ऑप्शन है ए, जिसमें तीन आ रहे हैं, ए में इसके अलावा तीन किस में आ रहे हैं, इसमें ए में तीन आ नहीं रहे हैं, बी में तीन आ नहीं रहे हैं, डी में तीन आ नहीं रहे हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर देखिए आपसे क्या पूछा है, बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली है वो कहां पर है, तो बड़े देवता की हवेली है कोटा के अंदर। कहां पर है, कोटा के अंदर बड़े देवता की हवेली है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा गया है कि भक्तों की हवेली कहां पर है, तो भक्तों की हवेली भगत अपने है नवलगढ़ के अंदर। कहां पर है, नवलगढ़ के अंदर है। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, पुरोहित जी की हवेली जयपुर के अंदर है और नई हवेली है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर, नई हवेली है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। ये आपकी क्या है, हवेलियां हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, बागोर की हवेली, बागोर की हवेली बताइए कहां है, बागोर की हवेली कहां पर है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा बागोर की हवेली कहां पर है, आकांक्षा मकवाना, हरीश नाथ, राकेश बामणिया, रीट का भूखा शेर, संजना सांगला, राकेश बामणिया, बताइए भाई बागोर की हवेली कहां पर है। बताइए बताइए बताइए, जीके विथ एके डीडी क्वालिटी लखानी सर आ गए हैं, नमस्कार सर। रीट का भूखा शेर, राकेश बामणिया, सुरेंद्र परमार, माया रावल, रीट का भूखा शेर, बागोर की हवेली, बागोर की हवेली कहां पर है ये आपको बताना है, बागोर की हवेली कहां पर है बताइए भाई, बागोर की हवेली बतानी है आपको, बागोर की हवेली कहां है। चार ऑप्शन है, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बता दीजिए भाई बागोर की हवेली कहां है। सवाल बागोर की हवेली का है, यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं सर बागोर की हवेली भीलवाड़ा के अंदर है, सुनिए भाई बागोर की हवेली है उदयपुर के अंदर। और अगर आपसे सवाल पूछते बागोर सभ्यता, अगर बागोर सभ्यता की बात होती तो आप कहते कि सर बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा के अंदर है। आपको यह भी पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है जो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें तीन राज्य प्रमुख रूप से हैं, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इनकी कलाओं का संरक्षण हो रहा है उदयपुर के अंदर। और यहाँ पर आपको पता होगा किसकी एक म्यूजियम है, किसका म्यूजियम है, तो आपको पता होगा यहाँ पर साफों का, साफे होते हैं पगड़ियां, पगड़ी संग्रहालय है, पगड़ियों का संग्रहालय, पगड़ियों का संग्रहालय। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी कौन सी हवेली में रखी गई है, बागोर के अंदर रखी है, बागोर की हवेली के अंदर रखी हुई है, बागोर की हवेली के अंदर रखी गई है। अब देखिए अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखिए क्या है, और अगला सवाल देखिए, जोधपुर के किस शहर में, जोधपुर के किस शहर में गोलेचों एवं टांटिया राज परिवारों की कलात्मक हवेलियां देखी जाती है, गोलेचों और टांटिया, ध्यान से सुनना, जोधपुर के किस शहर में, जोधपुर के अंदर शहर है उस शहर में गोलेचों की हवेली बतानी है। उसके बाद आपको क्या बतानी है, टांटिया की हवेली, ये जो राज परिवार थे इनकी कलात्मक हवेलियां बतानी है, जोधपुर में कहां पर है।
फलोदी खिचन ओशिया मंडोर, गोलेच्छों की हवेली, टाटिया राज परिवारों की हवेली, कहां पर है बताइए भाई, कहां पर है ये बताइए बताइए बताइए। गोलेच्छों की हवेली, टाटिया की हवेली जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर में कहां है? फलोदी खिचन ओशिया मंडोर, गोलेच्छों एवं टाटिया परिवारों की हवेली बतानी है भाई। रीट का भूखा शेर डी, माया रावल डी, आकांक्षा मकवाना बता रही है, राकेश भामणिया बता रहे हैं फलोदी आकांक्षा मकवाना मंडोर, हरीश नाथ बता रहे हैं सर डी है, एक बड़ा रीट का एक भूखा बैठा है रीट को खा के रहेगा वो भी बता रहा है डी है सर। महिमपाल तंवर बता रहे हैं मंडोर में है, बिल्कुल। ये जो सारी की सारी हवेलियां हैं गोलेच्छा और टाटिया, ये दोनों हवेलियां हैं जोधपुर के अंदर है, और ये लोग जोधपुर राज परिवार की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे, इसलिए यहां पर क्या बनी हुई है गोलेच्छा एवं टाटिया की हवेली। खेतड़ी महल स्थित है, खेतड़ी महल स्थित है, खेतड़ी महल कहां पर स्थित है ये आपको बताना है, खेतड़ी महल कहां पर स्थित है? किचन पिलानी झुंझुनू शिकर, खेतड़ी महल स्थित है बताइए भाई, खेतड़ी महल कहां पर स्थित है? खिचन पिलानी झुंझुनू शिकर बताइए भाई, खेतड़ी महल कहां पर स्थित है? खेतड़ी महल कहां पर स्थित है ये आपको बताना पड़ेगा बताइए भाई। खेतड़ी महल कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे से आप बता दीजिए। खिचन पिलानी झुंझुनू शिखर, खेतड़ी महल। ओम प्रकाश 41 में सी बता रहे हैं, राकेश बामणिया खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? खेतड़ी को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा सबसे ज्यादा खेतड़ी में उत्पन्न होता है बताइए भाई। हरीश नाथ बता रहे हैं सर झुंझुनू, सुरेंद्र परमार बता रहे हैं सी, महिपाल तंवर श बताइए भाई। आकांक्षा मकवाना बता रही है सी, खेतड़ी महल है भाई, देखिए खेतड़ी महल है झुंझुनू के अंदर, और खेतड़ी महल को क्या कहा जाता है? शेखावाटी का ताज महल, शेखावाटी का क्या कहा जाता है? शेखावाटी का ताज महल कहा जाता है। और आपको पता है कि खेतड़ी के अंदर कौन आकर ठहरे थे? तो यहां पर कौन आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती यहां ठहरे थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार राजस्थान आते हैं तब यहां पर ठहरते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्होंने इसके किनारे यानी खेतड़ी महल के किनारे बैठे थे, इस महल के पास में बैठे, और यहाँ पर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की कुछ पुस्तकें लिखी थी, कुछ पन्ने लिखे थे, सत्यार्थ प्रकाश इनका ग्रंथ है, उनका इन्होंने यहाँ पर संकलन किया था। तो आपको पता होना चाहिए खेतड़ी महल को शेखावाटी का ताज महल, स्वामी दयानंद सरस्वती इसमें आकर ठहरे थे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, और अगला सवाल तो गजब का सवाल है, इसका जवाब दे तो काफी लोगों के क्या हो जाएंगे, सवाल हो जाएंगे सही। और अगर आपने यह सवाल पढ़ा होगा तो आप कह सकते हैं सिलेक्शन के दायरे में भी आते हैं। पंसारी की हवेली सिक्कर, लालचंद डड्डा की हवेली फलोदी, मोहन सिंह जी की हवेली चित्तौड़गढ़, नौखंडी हवेली जैसलमेर, असंगत बताना है आपको बताइए भाई, बताइए भाई असंगत बताना है। पंसारी की हवेली कहां पर है, लालचंद डड्डा की हवेली कहां है, नौखंडी हवेली कहां है, मोहन सिंह की हवेली कहां है? अब इनमें से आपको एक ऑप्शन है जो मैच नहीं हो रहा है, असंगत नहीं है, वो बताना है आपको बताइए भाई। पंसारी की हवेली कहां पर है, लालचंद डड्डा की हवेली कहां पर है, नौखंडी हवेली कहां पर है, और मोहन सिंह की हवेली कहां पर है?
यानी इन सबके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जगह दे रखी है, लेकिन आपको एक गलत बताना है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है। ओम प्रकाश 42 में ए बता रहे हैं, रीट का बुका शेर डी बता रहे हैं, माया रावल सी बता रही है। बताइए भाई, आकांक्षा मकवाना डी बता रही है। बताइए भाई, मोहन सिंह की हवेली, मोहन सिंह की हवेली कहां पर है। हरीशनाथ डी, ओम प्रकाश सी बता रहे हैं, आकांक्षा मकोना डी बता रही है। बताइए भाई, बताइए, असंगत बताना है आपको। वापस ध्यान से देखिए इस सवाल को। पंसारी की हवेली सिक्कर, लालचंद डड्डा की हवेली फलोदी, नौकंडी हवेली जैसलमेर, मोहन सिंह की हवेली चित्तौड़गढ़। अब इसमें से एक बेमेल बताना है आपको। बताइए भाई, प्रभुलाल रैदास बताइए। हाँ, मोहन सिंह की हवेली कहां पर है। मोहन सिंह की हवेली है जैसलमेर के अंदर। कहां है? जैसलमेर के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, अपनी स्क्रीन पर जो सवाल है उस सवाल को अगर आप देखेंगे तो यह भी सवाल आपके लिए अच्छा सवाल है। झाली रानी का महल या झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया महल स्थित है। बताइए कौन से किले में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में या सज्जनगढ़ में। बताइए, 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 बताइए भाई, झाली रानी का मालिया महल कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन है आपके सामने, झाली रानी का मालिया महल कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या सज्जनगढ़। बता दीजिए, रीट के बुखार शेर बता रहा है, आकांक्षा मकोना बता रही है, ओम प्रकाश प्रभुराम बता रहे हैं। बताइए भाई, माया रावल बता रही है, महिपाल तंवर बता रहे हैं, राकेश बामनिया बता रहे हैं। बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। झाली रानी का महल, बड़ा इजी सवाल है। झाली रानी का महल है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, या रणथंभौर दुर्ग में है, या सज्जनगढ़ दुर्ग में है। बड़ा सोच विचार के जवाब देना है। झाली रानी का मालिया, और मालिया किसे कहते हैं पता है? घर के ऊपर घर, जो डबल मंजिल का घर होता है उसको गांव में कहा जाता है मालिया। क्या कहा जाता है? मालिया कहा जाता है। तो देखिए, झाली रानी का मालिया है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और आपको पता होना चाहिए इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना था। अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे अच्छे जवाब, प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे सर। देखिए, तेलिन का महल कहां देखा जा सकता है? तेलिन का महल, अब देखिए तेलिन ने भी क्या बना दिया है? महल बना दिया है। बताइए भाई, तेलिन का महल कहां पर है? फतेहपुर सीकर, रूपवास भरतपुर, पुष्कर अजमेर या भांडारेस दोसा। बताइए भाई, तेलिन का महल, किसका महल? तेलिन का महल। बताइए भाई, तेलिन का महल कहां पर है? चार ऑप्शन, गजब के ऑप्शन, फतेहपुर सीकर, रूपवास भरतपुर, पुष्कर अजमेर या फिर भांडारेस दोसा। बताइए भाई, बताइए भाई, बताइए, तेलिन का महल बताना है आपको। किसका महल? तेलिन का महल बताना है। बताइए तेलिन का महल कहां पर है? तेलिन का महल बताइए। चार ऑप्शन है, बड़ा सोच विचार के जवाब देना है। तेलिन का महल, तेलिन का महल, तेलिन का महल बताइए भाई। बताया, रीट का फुका शेर ये बता रहा है, माया रावल ये बता रही है, हरीशनाथ ये बता रहे हैं, ओम प्रकाश ये बता रहे हैं, लाला राम ये बता रहे हैं। बताइए भाई। हाँ, तेलिन का जो महल है वो राजस्थान के अंदर है, फतेहपुर के अंदर सीकर, फतेहपुर सीकर के अंदर तेलिन का महल है। कई बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। अब देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल भी पढ़ लेते हैं।
राजपुताने की वह प्रसिद्ध छतरी जिस पर राम रावण के युद्ध के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है, बताइए भाई। गजब का सवाल, प्यारे प्यारे बच्चों गजब का सवाल है। राजपुताने की वह प्रसिद्ध छतरी जिस पर राम और रावण के युद्ध को चित्रित किया गया है, चार ऑप्शन है, गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा, रशिया की छतरी टोंक, मुसी महारानी की छतरी अलवर, गोरा दाई की छतरी जोधपुर, बताइए, आपको बताना होगा। गजब का सवाल, गजब का आंसर, बताइए। राजपुताने की वह छतरी जिसमें रामायण के चित्रों को क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। किसके चित्रों को? रामायण के चित्रों को चित्रित किया गया है, बताइए भाई। चार ऑप्शन है आपके सामने, रामायण के चित्रों को कहां चित्रित किया गया है, बताइए भाई। महिपाल तंवर बी, रीट का भूखा शेर बी, ओम प्रकाश बी, बताइए। प्रभुलाल रैदास बी, माया रावल बी, लाला राम बी, बता दीजिए। राम रावण के युद्ध करते हुए चित्र बता दीजिए कहां पर है, सोच समझ के बताना है, एक के पीछे एक नहीं भागना है, क्या पता सही हो या नहीं हो, बताइए। गजब सवाल है, देखिए भाई ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं माथा घुमा देता है, और ये सवाल आपके सारे पूछे जा चुके हैं। विकास बता रहे हैं बी सही है सर, वाह भाई विकास, तुमने तो विकास कर ही लिया आखिर। देखिए रशिया की छतरी है टोंक, और रशिया की छतरी टोंक के अंदर क्या बने हुए हैं, जो एक छतरी है, और इस छतरी के अंदर राम और रावण के युद्ध का चित्र प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, संत क्या दे रखा है, संत रैदास की छतरी, संत पीपा की छतरी, धन्ना भीमा की छतरी, उड़ना राजकुमार की छतरी, किसकी छतरी, उड़ना राजकुमार की छतरी कहां पर है, उड़ना राजकुमार की छतरी, 32 खंभों की छतरी, छतरियां दे रखी है, क्या दे रखी है, राहुल लोहार, अनमोल शर्मा, बताइए भाई। छतरियों का मिलान करना है, कौन सी छतरी कहां है, संत रैदास की छतरी है विद्यार्थियों प्यारे बच्चों चित्तौड़गढ़ के अंदर, संत पीपा की छतरी है गागरौन के किले में, धन्ना भीमा की छतरी है मेहरानगढ़ किले में, उड़ना राजकुमार की छतरी कहां पर है, उड़ना राजकुमार जिसे पृथ्वीराज कछवाहा कहा जाता, पृथ्वीराज सिसोदिया जो रायमल के बेटे सांगा के भाई थे, जिनको सिरोही के जगमाल ने जहर दे दिया था और कुंभलगढ़ के पास में इनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हें ही उड़ना राजकुमार कहा जाता है। अब आपको यह भी बताना होगा कि उड़ना राजकुमार की छतरी कहां पर है, बताइए भाई। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, और 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में, 32 खंभों की छतरी को कहा जाता है न्याय की छतरी, किसकी छतरी, न्याय की छतरी, इसे कहा जाता है जैतर सिंह की छतरी, और कहते हैं कि इस छतरी का निर्माण करवाया था अमीर देव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह की याद में, किसकी याद में, जैतर सिंह की याद में, मतलब एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, चार भी सही है, पांच भी सही है, जिन जिन लोगों ने डी का ऑप्शन किया। हाँ रीट का भूखा शेर बता रहे हैं ताराबाई, बिल्कुल टोडा टोंक की रहने वाली थी ताराबाई, और ताराबाई के पति थे पृथ्वीराज कछवाहा, और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर अजय मेरु दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर तारागढ़ दुर्ग नाम रखा था, ये याद रखना है आपको। तो ये सारे ऑप्शन है आपकी, क्या है सही है, याद रखना। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ किले में है, संत रैदास कौन थे, तो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। संत पीपा का मूल नाम था प्रताप सिंह खिची, जो गागरौन के शासक थे और गागरौन की इंदर छतरी बनी हुई है। धन्ना और भीमा मेहरानगढ़ दुर्ग में रहने वाले दो वीर सेनापति सेनानायक थे, और उड़ना राजकुमार कुंभलगढ़ में है, और 32 खंभों की छतरी रणथंभौर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 84 खंभों की छतरी देखी जाती है कहां पर, देखी जाती है 84 खंभों की छतरी वो बताइए,
अलवर, राजसमंद, बूंदी, जोधपुर। 84 खंभों की छतरी, 84 पिलर्स की जो छतरी है वो कहाँ पर है? अलवर में है, राजसमंद में है, बूंदी में है या फिर जोधपुर में है? बताइए भाई। अनमोल शर्मा बता रहे हैं डी हरीशनाथ बी। सवाल है 84 खंभों की छतरी कहाँ है? आकांक्षा मकवाना सी, रीट का बुका शेर ए, आकांक्षा मकवाना बूंदी, महिपाल तंवर, माया रावल, विकास। बताइए भाई 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बताइए भाई 84 खंभों की छतरी कहां है? 84 खंभों की छतरी, बताइए भाई 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। बूंदी में है 84 पिलर्स, और यहां पर है अलवर में 80 खंभों की, एक है राजसमंद के अंदर अलग, जोधपुर के अंदर है अलग है। 80 अलवर में है, आपसे पूछा है 84, और 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में है। नेक्स्ट देखिए अपना सवाल क्या है, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये। सुमेलित युग्म नहीं है, यानी इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। बताइए भाई, देवीकुंड की छतरियां बीकानेर, केसरबाग की छतरियां कोटा, पंचकुंड की छतरियां जोधपुर, चेतक की छतरी राजसमंद। बताइए कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो बताना, सुमेलित नहीं हो रहा है वो बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देवीकुंड की छतरियां बीकानेर, केसरबाग की छतरियां कोटा, पंचकुंड की छतरियां जोधपुर, और चेतक की छतरी राजसमंद। बता दीजिए कौन सा मिसमैच है, यानी असंगत है। बताइए भाई, असुमेलित है, सुमेलित युग में नहीं है, बिल्कुल सुमेलित नहीं हो रहा है वो बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने, आराम से आप जवाब दे दीजिए। देखिए देवीकुंड की छतरियां बीकानेर, केसर की छतरियां कोटा, पंचकुंड जोधपुर, चेतक राजसमंद। हाँ भाई, महिपाल तंवर डी बता रहे हैं, राहुल लोहार डी बता रहे हैं, हरीशनाथ डी बता रहे हैं, अनमोल शर्मा डी बता रहे हैं, लालाराम डी बता रहे हैं, माया रावल डी बता रही हैं, विकास डी बता रहे हैं, ओम प्रकाश डी बता रहे हैं। देखिए दिनेश मीणा, चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल ऐसे फेंके है कि सबका पासा ही पलट दिया, सब डी डी में लगे रहे और बंदा बलीचा में चला गया राजसमंद में। बलीचा, केसरबाग की छतरी आकांक्षा मकवाना, वेरी गुड। केसरबाग की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। केसरबाग की छतरी कहां है? बूंदी के अंदर है। और अगर आपसे सवाल ये पूछते कि क्षारबाग की छतरी कहां है, क्षारबाग, तो आप करते कि सर क्षारबाग है कोटा में। कहां पर है? कोटा में है, ये आपको बताना था। सब डी 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 की तरफ भाग गए थे, डी की तरफ भागना ही नहीं था। देवीकुंड बीकानेर के राज परिवार की छतरियां हैं, और केसरबाग बूंदी राज परिवार की छतरियां हैं, पंचकुंड की छतरियां जोधपुर के अंदर जोधपुर राज परिवार की छतरियां हैं, चेतक की छतरी राजसमंद के अंदर है, बलीचा गांव राजसमंद के अंदर है, लेकिन क्षारबाग की छतरियां कोटा के अंदर है। क्षारबाग की छतरियां कहां है? कोटा के अंदर है। इस बार सारे 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 के सारे डापाचूक हो गए। क्या हो गए? डापाचूक हो गए। दिनेश आया और दिनेश ने पासा ही पलट दिया था। अब ध्यान से सुनिएगा वापस, देवीकुंड बीकानेर, केसरबाग बूंदी, पंचकुंड जोधपुर, चेतक राजसमंद, क्षारबाग कोटा, और बड़ा बाग जैसलमेर। बड़ा बाग कहाँ है? बड़ा बाग में जैसलमेर राज परिवार की क्या है भाई? छतरियां हैं, ये आपको याद रखना था। मैं लगातार डी ऑप्शन दे के मैंने कहा क्या हो गया इनको। अगला सवाल देखिए, महाराणा प्रताप की छतरी बतानी है भाई। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? चार ऑप्शन है, बांडोली, दिवेर, चावंडिया, गोगुंदा। बताइए भाई महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बांडोली, दिवेर, चावंडिया, गोगुंदा। चार ऑप्शन है आपके सामने, और आपको ये बताना है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है। बताइए भाई महाराणा प्रताप की छतरी।
महाराणा प्रताप की छत्रिकाएं। अनमोल शर्मा ए हरीशनाथ बता रहे हैं, बी है रीढ़ का भूखा शेर ए बता रहा है, माया रावल डी, प्रभुलाल रैदास ए बता रहे हैं हरीशनाथ बूंदी में केसर बाग की छतरी बूंदी, रीढ़ का भूखा शेर ए बता रहा है। बताइए भाई महाराणा प्रताप की छतरी बतानी है आपको, और ये छतरी अगर आपको याद नहीं है तो आपका इतिहास बहुत कमजोर है, आपको इतिहास में रुचि लेनी पड़ेगी, क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता का प्रतीक, एक ऐसा शासक जिसके सामने बड़ी बड़ी चट्टाने आई, बड़े बड़े कांटे आए, बड़े बड़े दिक्कतें आई, लेकिन उसने एक वीर की भांति सारे कष्टों को पार करते हुए अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया था। बताइए भाई महाराणा प्रताप की छतरी बताइए। देखिए गोगुंदा, गोगुंदा में प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ। चावंड प्रताप की संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी थी। प्रताप की राजधानी थी जब वो संकट काल में थे चावंड। दिवेर, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया था, मेवाड़ का मैराथन। पीछे क्या बचा, बांडोली बचा, बांडोली, और बांडोली में छतरी है महाराणा प्रताप की, बिल्कुल आठ खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी, आठ खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की छतरी, ये आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली के अंदर है। हाँ नेक्स्ट, ये जो सवाल थे महाराणा प्रताप की छतरी और महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है, तो बांडोली के अंदर है। कहां पर है, बांडोली के अंदर है। ये थे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, और उन प्रश्नों के आसपास बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में कारगर साबित होंगे। अपनी तैयारी को यूं ही धारदार बनाए रखिए, अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं घर पर बैठे ही अपनी तैयारी करूं, तो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का मोबाइल ऐप, जिसके अंदर अभी चल रहा है मानसून ऑफर, उस मानसून ऑफर का पूरा फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को एक नए आयाम पर ले जाइए। अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलिए, जुड़िए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के साथ। मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।